स्वागत है आपका राजकुमार जी। राजकुमारी, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्कार राजकुमारी जी, बताएं आपका सवाल क्या है। मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सचिन साहब को। जी और ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए है। उनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती थी, तो नमक जैतून और सब जो पाउडर बताए थे वो सब मंगा के मैं उनको दी हूँ। अभी वो 5 महीना से खा रहे हैं, तो बहुत फायदा हो रहा है। और दूसरी चीज है, इनको जुकाम का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं पहले ये माजू मार के 5 डब्बा दे चुकी हूँ। फिर आप ही के प्रोग्राम में मैं सुनी थी ये पपिस्ता मुन्ना और यही सब, तो मैं आपके यहाँ से ऑर्डर किया था। तो वो उन्ना भेजे हैं और लंबी लंबी व्हाइट व्हाइट लकड़ी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं उन लोगों से बार बार फोन करके पूछती हूँ जो ये इसको क्या करना है, तो वो लोग बता नहीं रहे। तो इसके बारे में वो जुकाम के लिए मुझे पूछना ठीक है। है। ये जो लकड़ी है ये शायद गलत है, ये अलग कर दीजिए उससे, नुस्खे से। सपिस्तान निचोड़े को कहते हैं। उन्नाब एक लाल किस्म का बेर होता है, और अलसी आप महिलाएं जानती ही हैं। ये तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी होती हैं। उन्नाब में जो लाल किस्म का एक जड़ी बूटी है, गोल गोल बेर की तरह, उसमें गुठली होती है, गुठली को निकाल दें। और आपके किचन में जो पीपलें होती हैं वो 30 ग्राम इसमें मिला लें, 100 ग्राम के नुस्खे में। और इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सुबह खाली पेट गर्म पानी से और रात को सोते वक्त दिया जाता है। और ये नुस्खा 6-7 महीने दिया जाता है। और खट्टी चीज़ों का इसमें परहेज करना ज़रूरी है। तो ये लकड़ी जो है शायद गलत आ गई आपके पास, इसे अलग कर दें। और ये लकड़ी कभी ज़रूरत पड़े तो कभी जोड़ों में दर्द हो तो इसका पाउडर बना के एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम लेते हैं, ये उसके फायदे के लिए है। सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला जी सवाल तो है, मोरिंगा का घोल तो पानी में ले सकते हैं क्या सर? दूध ठीक है। भी तो नहीं ले सकते सर, मैं माजून आर के ले रही हूँ, पानी से ले सकते हैं क्या? ठीक है। हाँ, और एक सवाल है सर, मेरे हस्बैंड को उनका कान ये सी पा रहा है, वो बहरा है कान। हम दूसरा भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एलोपैथी, लेकिन कम भी नहीं हो रहा है सर, उसके क्या लेना चाहिए? हाँ ज़रूर, आप गौंद मोरिंगा पानी से ले सकते हैं 1 ग्राम रोज़ाना। आपको इजाज़त है कि गौंद मोरिंगा पानी से मिलाकर ले सकते हैं। और कान बहने के लिए कान वाले को भी दिखाएं, उसकी पूरी तशखीस कराएं, जांच कराएं, और डॉक्टरों की भी हेल्प ले सकते हैं। वो लोग एक्स्रा करके देखते हैं कि क्यों आ रहा है पानी या पस क्यों आ रहा है। और 5 लहसुन के पीस, 5 लहसुन जो आप बगैर छीले उसको हल्का सा तल लीजिए घी में, तेल में हल्का सा तल के फिर इसको छीले, और ये 5 पीस अपने हस्बैंड को खिला दें रोज़ाना, और एक बार। और गौन चिलगोज़ा एक चुटकी रोज़ाना ऐसे खाकर और पानी पी लिया करें पूरे दिन में एक बार, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।